एक नई गीत के तरफ ले चलते हैं आप लोग के जो मैं गीत का चर्चा हूँ जरा लेखनी पर गौर करेंगे हम करते नमन हम करते नमन जिनका छू कर चरण जो तहनया कफन भय वतन के भारती आरती गर्व से वारती जागे अपना चमन जो वतन के लिए कहानी वहां से चली है कोई कपोल काल्पनिक नहीं अब जमाना वो नहीं खे कि कुछ हम लिख डाल आदमी गा ले हाँ ठीक है ना जी आपके हाथ में है मोबाइल सर्च करिए पूछिए गूगल आपको बता देगा कि ये गलत है या सही है। काल्पनिक कल्पना का जमाना है अब खत्म कि लपेट समेत घसेट करके मनोज बाबू लिख के दे दे आ केहू कुछ और गा दे वो जमाना अब नहीं रहा कल्पना गया था कौन काल्पनिक कहानी लिखी हुई थी तमाम कलाकारों ने गाया हमारे आदरणीय काशीनाथ एनएलसी साहब ने गाया था जिस पर बड़ी टीका टिप्पणी हुई थी आपको ख्याल होगा लोगों ने काल्पनिक कहानी थी बार बार यही पूछ रहा था कहीं प्रमाण दीजिए तो अब जमाना बड़ा तेजी से आगे बढ़ा है कभी लिखते हैं कि भक्ति पाटर पति कर्म जोशी हवा रास्ता निकल इस तरह इनके फरमान में अचंग विमान टूटा था मुठभेड़ में खुद बड़ा था अभिनंदन पाकिस्तान में उस दिन हिंदुस्तान में लोगों को खाना अच्छा नहीं लगा सवाल एक अभिनंदन का नहीं था सुरेंद्र भाई सवाल घर घर पैदा उन बच्चों का था जो बच्चे पाटर के दुश्मनों से गोलियों का सामना कर रहे हैं कैसे पाकिस्तान में कूद पड़ा जरा मेरी बात से इत्तेफाक रखिएगा सुबह के 8 बजे हैं हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे भी हैं जरा गौर कर लेना सुबह के 8 बजे हैं और हिंदुस्तान से जम्मू एंड कश्मीर से लेके और जैसलमेर राजस्थान तक एक लड़ाकू विमान हमारे हिंदुस्तान में घूम रहा है लेकिन वह विमान हमारा नहीं है वह विमान दुश्मन का है फैसला लेते लेते समय बीत गया करीब करीब 12 मिनट बड़ा मतलब है अरे मना कर उसको बोला यार तखाओ इधर बैठा लो बैठा फैसला लेते लेते
हिंदुस्तान को 12 मिनट का समय कम ना हो, 12 मिनट में तहस नहस हो जाए। 12 मिनट फैसला करते करते समय बिता कि अब विमान किसका है और विमान कितना देरी से उड़ रहा है, 1 घंटा 20 मिनट। इतने में एयरफोर्स के नौजवानों ने कमर कस लिया और एक लड़ाकू विमान देकर के अभिनंदन वर्धमान को कहा, तू जाओ उस विमान को घेर करके जबरदस्ती लैंड करवा दो भारत में, अगर नहीं उतरता है तो मार गिरा दो। अभिनंदन वर्धमान मुझ देखे होंगे आप, एक कटीली का आशा कर बैठ करके अभिनंदन वर्धमान और अपने विमान से खदेड़ लिया। इतना फायर भोकल कि एक भागल भागल तो सीधा जा कि इस्लामाबाद के आसमान में उड़ने लगा पाकिस्तान। आई देखा हिंदुस्तान को पनियो तनिगर में हो, यह हो चप्पल छोड़ कर इस्लामाबाद आ जा तो वही तो भेल के मरलस बस धाय तो जोर की गिर गई। आज जब खुशी खुशी लौटे खातिर घूमल हो अतले 5 गो विमान यहाँ के घेर लिया आकाश में, यहाँ विमान आगे विमान पीछे विमान। अभिनंदन वर्धमान परेशान है कि भाई क्या करी, अब तुम बात बोलो सो अभिनंदन वर्धमान के तेल के टैंक में आग लगे आए आप जब लगल तो अभिनंदन वर्धमान लेट ना कही तुरंत जो हतन अपने जहाज से अपने विमान से छोड़ के नीचे कूद गए। पीछ में लगल है पारा सुख सहारे धीरे धीरे धरती पर गिर पड़ल आ धरती पर गिरल हो तो देखा धरती जमीन का सरहद का बंटवारा। पाकिस्तानियों ने घेर करके मारना चाहा लेकिन आ करके पाकिस्तान की आर्मी पकड़ करके अभिनंदन वर्धमान को आर्मी हेडक्वार्टर लेके चली गई। तो यहाँ कमाली का दर्द बात ऐसा होता कि आदमी मजा भी ले ले ओके घोट ना ऐसा ऐसा पहली एक दिन जैसे प्यार के लिए बनी तो हम कहली ऐसा पहली बार हुआ है। यहाँ से बिरहा उठी है यहाँ जाके खड़ा हो जाए कहें कि हमारा बिरहा यहाँ से ना उठा ले बाद में जाके घुस हो जाए हम नीचे से खड़ा हुई जाके कपाट पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक फौजी के लिए बहुत सा डायलॉग्स बहुत सा भाषण हम लोगों ने गाया और किया भला पूछिए कि नेता दो ही हुए हिंदुस्तान में, एक बाबू सुभाष चंद्र बोस दूसरा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव तीसरा कोई नेता नहीं। नेताजी शब्द से संबोधित आजकल तो यही नील किरण पाल देखे लड़का कुत्ता पहले दस नेते का लेकिन नेता नेताजी कह के संबोधन अगर कोई प्रधानमंत्री भी करता है तो मान मंत्री नेताजी को करता है कि हो करके अरे ओ करके पाने है फौजी Yeah!
का कहानी का शुरुआत किस लाइन पर चार लाल दिखेंगे सुरेंद्र भाई एक फौजी सैनिक शाम से सीमा पर नाई खोते मौत के सिरहाने तकिया बनाते सोते पैर के नीचे दरबारों के अंबारों का अगर चलता है सिपाही पैर के नीचे दर बारूदों के अंबारों का और सर के ऊपर आसमां से बम उछालों का सामने से सीने में गोली का प्रवेश करे सामने से सीने में गोली का प्रवेश करे पीठ के पीछे से सर कटने का भय पेश करे पाक में अभिनंदन पाक में अभिनंदन मुझो पता फेर हसा मुझ भी तो वह नहीं आई पाक में अभिनंदन मुझो पता फेर हसा गीदड़ों के झुंडों में हिंद का पीर फसा गीदड़ों के झुंडों में हिंद का इधर बादल से श्याम नारायण यादव भौल उठा इधर बादल से श्याम नारायण यादव भौल उठा छोड़ो अभिनंदन के दोस्त इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव फौल उठा छोड़ो अभिनंदन को जोश में वह बोल उठा श्याम नारायण यादव कौन है जरा सुना दें सुंदर भाई आप भी जानते होंगे हम लोगों के कार्यक्रम में अक्सर जब मिलिट्री फौज से आते थे छुट्टी तो श्याम नारायण यादव बिरलों के कार्यक्रम में मैं कई जगह गिरा रोहितपुर के कार्यक्रम में चंगीपुर के कार्यक्रम में माननीय कैलाशनाथ यादव जी जब जीते हुए थे उस कार्यक्रम में श्याम नारायण यादव हमारे और आपके बीच में चौकी पर बैठे थे श्याम नारायण यादव ड्यूटी दे रहा है छह सिपाहियों को लेकर बोलिए ना भैया छह सिपाहियों को लेकर ना आगे तो चुनाव से जीते के हो और यही पाकिस्तान को चेता रहा है क्या छोड़ा कमर नहीं थे लेकिन देश के कोने कोने से कहते देश के कोने कोने से अब धमकी मिली इमरान को छोड़ दो अमेरिका का आखिरी फोन है जल्दी रिलीज कर दो उसके बिग कमांडो को जल्दी उसको रिलीज कर दो वरना खतरा होगा क्या अरे पूरी इंडियन आर्मी ना छोड़ेगी Thank you.
आ गई, पूरा हिंदुस्तान गरम था। आई लोग लड़कवा रगवा बदौड़ा तारा सा तैयारी करता हम सब भर्ती होखा खातिर एहू लड़कन के खून में उतने गर्मी जज्बा बा कि हमनी के रहती जाकर पाउडर पर तो घुस के मरती जा, ऐसा जज्बा है लोगों के दिल में। लेकिन अब है जैसे लाइन चेंज लेता, ये लाइन पर 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे छोटे भाई बाबू अजीत सिंह जी के, अजीत सिंह यादव जी के द्वारा, जो प्रॉपर्टी डीलर लखनऊ, जिनका परिचय आपसे दिया मैं। पूर्व प्रधान राम मोहन यादव हमारे घर के सदस्य, हमारे भाई हैं, कई बार कार्यक्रम भी करवाए हैं, आपने पुरस्कार पहले भी दिया था, फिर दिया है, 500 रुपए का पुरस्कार दिया है। राम मोहन यादव जी जहां भी बैठे मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे, कमंथन बदल के बाबा सर। तो नहीं बात कर जवाब लेकिन अब लिख के बात करो ही क्या ये पिछवाड़ में तो जरूर ना सर कैसे बदल रहा सर अरे पर स्टार्ट के मुराद के भगवान के बेले बाला पे हिया तू कैसा जिहाद है भाई, बेगुनाहों के खून से धरती को रंग देना है, कहां का जिहाद है ये, कौन सी बात है, कौन सी कुरान, कौन सा कुरान बताता है। लेकिन इनका कुछ निजी फतवा, हिंदुस्तान का मुसलमान भी परेशान है उनके दोगली नीतों से। लेकिन एक बात इस भरे मन से कहना चाहता हूँ, यूट्यूबर साथी कैश कर लेना है और ये लाइन काट के छोड़ देना भी जलाल यादव की, कोई अगर काट देगा तो जबान कटवा के बिहार बंद कर दूंगा। हिंदुस्तान का मुसलमान
जितना महफूज है, जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में है, दुनिया में कहीं का मुसलमान उतना सुरक्षित नहीं है। ये हमारा चैलेंज है। हिंदुस्तान का मुसलमान सुरक्षित है, जिनकी इनकी प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इनकी कमाई पर अगर पढ़े लिखे हो तो थोड़ी इस चीज बन सकते हो, लेकिन तो पढ़िया लिखिया है ना, संचर सती है लेकिन अखाड़ा दूर है, तो मैं दूसरे कौन करती हूँ। पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो और समाज को सुधारने का प्रयास करो। कभी लिखते बीरबल यादव जी सिलहटा की धरती से भैया को लाबा का देखो सामने देखते देखते पता चला वहां के सिविलियंस कि चार आतंकवादी पहाड़ के खाई के नीचे एकदम रोड पर ही निशाना ले रहे बड़ा सब स्कूल बस को इंतजार था, लड़का को पढ़ के यहाँ सौ के फॉर्म से उड़ा दिया सब। श्याम नारायण यादव मात्र छह जवानों को लेकर के बारे उत्तर प्रदेश, बारे गाजीपुर, बारे बलिया, कितनी दिलेरी है। वतन पे मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता, वतन पे मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता, वही नहर है होता जिसे मौत का गम नहीं होता। आगे बढ़ता गया और अपने जवानों को लड़खाता गया कि मुझे कवर दो, सारों को फायर तब तक मत करना जब तक हम नहीं कहें। जाकर के पीछे से लड़खाना और लड़खाना तो यहाँ विरह का लाइन तुम्हें प्योर फिर रश्मिया के चढ़ मार चुके हैं, लेकिन एक आतंकवादी मुंह के बल गिरा है, गोली लगी है नहीं लगी है। अपने सीनियर श्याम नारायण यादव से पूछ रहे हैं नौजवान की, सर अगर आपका हुक्म हो, इजाजत हो तो हम लोग पूछ लें, देख लें कि क्या इसको गोली लगी है। श्याम नारायण कहना के सुना बिया भाई का किना कहना सके ना भाई लेकिन देखता हम लोग कहना यही तो तुरंत लड़का देख दिया सर घुमा के माध्यम से दू गोली बस यही से बिया हो जाए रंगा जाइए।
इके कही जेकरे अंदर दिल होई जेकरे अंदर अपनत्व होई जेकरे माटी से प्यार करत होई ने त दूसरा का लड़का बा जो जो हमें ना कुमार हमसे कम लेकिन रोक लिए और रोक करके आगे पढ़ने लगे देखने के लिए तो ये 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या हो गया यार तुम्हें आदरणीय के डमरू से मेरे स्तन हमारे छोटे भाई प्यार से कर सकता तक हम लोग साथ रहे बाबा नाम हो उनका आतंकी बहाना मौत का लेकर आतंकी नाम पर हर बंद हुआ कुर्बान का जगावे खातिर जाता ना यह विधा को मैंने पढ़ लिया तो नहीं खाती दिखल रहा आज वही जगावे खातिर चल रहा गए हैं सामने दिया है गोली मार के Yeah.
हाय 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 हाय, गया है सामने दिया है गोली मार ठोकी से, जो वही उलटलो हाँ अत वही पलट करके एक 47 लेके डर 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 तो सोचल हथियार बा बंदूक में एक बार दबी बार छोटी नहीं पहले एक बार दबी बार छोटी पिस्तौल एक बार दबी बार छोटी आओ के एक के बार दबाओ ये बार डर 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 जितनी गोली बा कौनो ऐसा हथियार ना सोचल हथियार हुआ कि एक में दबाना फिर गोली फेंक दे माँ वो सोचल हथियार दबोले बा धर 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 पूरी गोली निकल रही है आसमान में जा रही है लेकिन गोली कब बोलोगे श्याम नारायण पहलवान खड़े हैं खड़े तेरे गोड़वा से पलटले बाण तो कभी जी कहत हम तर तर करबा तर जना बताई खाली मास्टर तू दिखा दे दो हजार लेके इन स्टेज पर लेकिन भाव ये के गाने कभी रहा का भाव खत्म हो गई करुण भाव जवान की गोली लग गई और मैंने तो झेला है तन को नदन दिलाही तन को नदन दिलाही हॉस्पिटल में गया और वहां 9:50 पर अंतिम सांस लिया गोली लगी है लेकिन घर है काजीपुर हसनपुर घर है हो नया रात की सनैया में अरे सब सुतल रहे चदरा कौन आप बोल रही है कहे है न तू बोलता कुछ राज बात बाबू तो ये बोला ताली रोगा और अथियार से पूछा था कि आप कौन कहा कि अरे कोई मर्द हो तो फोन दो फौजी का बीपी भी अड्डा तलब क्या 11:30-12 फोन के लिए बड़ा मर्द कहां से हम 11 बजे क्या काम है बताइए कौन बोल रहे हैं तब ठंडा पड़ल अधिकारी कहा कि बहन जी आप कौन है कहा कि हाँ रवेला हाल है हम फौजी सिपाही जी की धर्मपत्नी है हमारा भोजपुरिया में मर्द पर मेहरारु के नाम ना दी सा ये हमने का सभ्यता बा लेकिन अब तररिया के बोलाव करी सा ना सुन लेखा सुन लेखा ना सुन रे कुछ के पर का तो कही ये तर बोलो थे से बलवंत 500 रुपए का प्रसाद प्रदान किया गया हमारे भैया जो लखनऊ में प्लाटर है आदरणीय श्री बाबू अजीत यादव जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम बाबी रहा हमारे 4 मिनट 3-4-5 मिनट और बात लेकिन विशेष बात और कही जवान
पाती है तो फोन आप के फोन करती है। फोन लेकर के फौजी सोच रहा कि कैसे बताऊं कौन हो तुम, मैं उनकी धर्मपत्नी हूं कि हमारा फोन कह रहा हूं क्या बात है। जवान रोने लगा, अरे कहे हुआ रोता नहीं ये बेचारी के खा बतावा। 12:30 बज रहा है, खटिया पर से सूती उठ के बात कर दिया, लेकिन वो फौजी रो रहा है, प्रतापगढ़ का रहने वाला है, भोजपुरी समझ रहा है और क्या कहा। यही फौजी हो रहा है और फोन पर कहा सोच नहीं था बहुत घुमावा था कभी को बधाई है कहे कि तिरंगी पर तिरंगी पर कुर्बान हो गया। आपने कविता कल चाहिए होगा था किसे कौन हुआ हो, रोने लगा कहा कि तिरंगी पर कुर्बान हो गया। सर पे कफन सम्मान के साथ हसनपुरा बिरनो गाजीपुर जवान की पार्थिव शरीर को भेज दिया गया। जनता का सैलाब जुटा है, कार्यक्रम करके हम लोग आ रहे थे मऊ से, हम लोग भी पहुंचे और जवान के जो है अंतिम यात्रा में थोड़ा हम लोग भी शामिल होने का प्रयास किए, लेकिन माइक के सामने रख करके माता सीता जी देवी माता के सामने रख करके ठीक है चौकी पर जवान की लाश को खोल दिया गया अंतिम दर्शन के लिए। भाई देखें विडंबना, इस धरती का सबसे बढ़िया बोझा पहले भी हमें तीसरी दिन भी काले रहे, सोने फिल्म के डायलॉग भी रहे कि दुनिया का सबसे वजनदार बोझा वृद्ध पिता और माता के कंधे पर जवान बेटे की लाश खोल करके जब पहलवान के खड़ी खड़ी मूछ छोटे छोटे बार आंख बंद बार डीएम साहब गाजीपुर से और जवान को देख करके सीने में सलूट करते हैं, कहते हैं वाह बारे जवान सीने के बीच गोली खाया है यहाँ, आंखों का आंसू पोंछते हुए निकल रहे थे डीएम साहब तो हम लोग गाड़ी पहुंची, लेकिन माई जब बैठली यहाँ कल्पना नहीं है पहलवान का मुहावरा अपना चरवा से पोंछत आई, ये आंखों देखा बात का कल्पना नहीं थी, माई चरवा से पोंछत आई पहलवान का मुहावरा, ये भैया थोड़ी आ गई पानी चौजन मोहना धो रह जा का हो भैया सुतले रहबा के उठबा दिखा हम बानी हमरा से बोल हमरा से कुछ बतिया हो। अरे हमारे मारे के टाइम में भैया ये का हम के दिखाओ थोड़ा बाबू बोला बोला कुछ बोला लेकिन क्या माँ की कल्पना कमल क्रंदना पकड़ पकड़ के मोहना सुनावत ते कहते कि हमरे बुढ़ा उपीक हमरे बुढ़ा उपीक बुढ़ा
खातरी जर जर खातरी छोड़ के हम से बुढ़ऊ धोखा कर जब चिड़िया चुप गई थी रो रो करके जवान को कंधा दिया जाने लगा भीड़ लगल बा लेकिन एक चीज देखे चले लगी आपको देखल बा पहलवान का और प्रमिला जे आई बसे भैया पानी के ला हा भैया खाना खाना बनाए भैया चाय दे भैया सेंसलेस हो गए सोचने की शक्ति खत्म है बस एक ही चीज होता था कि बहुत भीड़ बात बोलने लगे लेकिन आके बड़ियाई से बैठा कर भाई आया और बहन के गाल पे ऐसे हाथ लगा करके कहा कि दीदी अंतिम बार एक बार दर्शन कर ले। जब गाल पर थप्पड़ लगा तो तंद्रा टूट गई और तंद्रा टूटी तो थक दे पहलवान के पार्थिव शरीर पर नजर गई और नजर गई तो है पकड़ के गर्दनिया झपट के दे कर पकड़ के अपने छतिया से सटा दिया और कह दिया ये दुल्हा बन के लिया सात फेरा इनका कईला हो आ कहला कि सनम तो हते राखब तीनो फेरा इनका कईला हो रोवतिया कहला कि कहला जहवा जाई रनिया संगम धर्म कर्म सतत आरम कर इसका जीवन भर निभाई गलती कैला सच जान तो है लेकिन तू सच ना हो झूठा हो इतना कह करके विक्षिप्त हुई उठ गया जनाजा आइए विधात खत्मे बा हे सुने वाले साथी आज महर्षि बसनागा बाबा गरुदास बाबा के धाम पर चलिए अपने विरह के माध्यम से दो कदम जवान को पहुंचा के श्रद्धांजलि दिया जाए। इसके बाद हम देते हैं नमन सुंदर भाई का एकदम दो मिनट विशेष ध्यान दीजिएगा हवा Let's go.
करके बजा करके जो रणभेरी बचती है उसके बाद जवान के पार्थिव शरीर में आग लगा दिया गया, पंचतंत्र में विलीन हुआ। अब अंतिम एक लाइन भी रहा बा, लेकिन ये देखी पॉइंट भैया, ये एक लाइन बा लेकिन पॉइंट देखी, ये पुरस्कार प्रदान के लिए बा। लोग औरता आई का कर दिया पहलवान का, और उत्तर मिला पहलवान का, वो फोटो रख ले दिया। अब फोटो हुआ गया बा, एक चीज अखबार ले दिया, यही सस्पेंस है, एक चीज ले दिया अजीत भैया दिखा के कह दिया कि कुछ ना हमारा तकलीफ नहीं है, खाली ये रुआ बता दे। फोटोवा से पूछ दिया कि हाई हम कहाँ रखें, क्या है उसके हाथ में, क्या बार बार सवाल कर रही है, जे देखा तो करे हैं से आंसू की रस्ता। कुछ लोग कह ही नहीं खे पाओ, गांव ग्राम प्रधान कह दिया कि रो लेने दीजिए, रोने से क्या होता है, दिल का दुख आंसुओं के सहारे जब धड़क जाता है। वो दिन हमारा समझ में आई, एक्सीडेंट हुआ तो मैं नहीं रोया सुरेंद्र भाई, गया जब वहां पांच घंटे ऑपरेशन थिएटर में था, मेरी काट कुठा नहीं है, काल्पनिक पूजा हम भगवान की करते हैं, लेकिन भगवान के बदले में ऊपर वाले ने अगर हमें भगवान दिया है तो हमारी माँ है। जिंदगी में पढ़ने वाले साथी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, एक बात जरूर लेके घर जाना, माता पिता को कभी कष्ट मत देना, गुरु का सम्मान कर देना, बड़ों का आदर कर देना, बुलंदी तुम्हारे कदमों में होगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ये हमारा चैलेंज है। लेकिन जो जो आगे बढ़ा है माता पिता के आशीर्वाद से बढ़ा। हाँ बहुत कुछ दिखावत या मसला दिखावत या बतावा है, कहाँ रखी एक गाना अंतिम लाइन बा, ये अंतिम लाइन बा का राष्ट्रीय पुरस्कार हो, हमार तो लुटाए गए सब के होते खाला तू ना बाड़ा हमार। जितना कहूं कम है, हमारे घर का भले न हो, आपके घर का हो, किसी का घर का हो, जो फौजी फौज में तिरंगे झंडे के नीचे कसम खा के हथियार उठा के सरहद की रखवाली करने लगता है, वो अपने घर का, अपने माता पिता का बेटा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बेटा हो जाता है, घर घर का बेटा हो जाता है। सलूट करता हूं, ये शहादत का लंबा सिलसिला चला आ रहा है, और मुझे लगता कि एक बार जब से ठकच के जंग ना हुई तो इसी जिला रुकी हमारे देश के। मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतिहास जो कहता है मुझे कहना पड़ेगा। देश के नेताओं की कारगुजारी रही, जिस पीओके का नाम लेकर के कहता है पाकिस्तान के हमारा है, उसके बाप का नहीं, वो पीओ तो हिंदुस्तान का है। तिरंगे फट पुरान हो गया, बिदाई बिदाई प्यार लाल क्या हो रहा तब पूछा।
शंका मिटा के प्यार से